खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। उत्तर प्रदेश कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे की तलाश उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन आज सुबह करीब 8 बजे महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। जैसा कि वहां के कर्मचारियों ने बताया कि सर्वप्रथम वो सुबह 8 बजे के करीब उसने 250 रुपए की काउंटर पर रसीद बनवाई। उसके बाद में वो जूता चप्पल स्टैंड पर गया, जहां स्टैंड पर पहुंचा, अपना बैग काउंटर पर रखकर आया, वीआईपी गेट से बाबा महांकाल के दर्शन किए। महांकाल दर्शन करने के बाद के दौरान मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा था। दर्शन के बाद वो निर्गम द्वार से जाने लगा, तभी महांकाल के सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ। शक होने पर धर दबोचा और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान झूमा झटकी भी हुई। इस क्रम में सिक्योरिटी गार्डों ने तन्मयता का परिचय दिया, लेकिन सवाल भी कांग्रेस के नेता महेश सोनी ने चिल्ला चिल्ला कर की ये सब मिली भगत से नाटक हुआ है, आखिरकार इसमें भाजपा नेता का हाथ है। आखिरकार उत्तर प्रदेश से भागकर उज्जैन में गिरफ्तार होना, गैंगस्टर विकास दुबे ने उज्जैन में ही आकर गिरफ्तारी क्यों दी? उसने चिल्ला कर क्यों कहा कि मैं ही विकास दुबे हूँ? ये ही सब कहानी कह रहे हैं। आप पहचान रहे थे कि मैं नहीं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शिका हुई तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के यहाँ लाया। मैंने पूरी सिक्योरिटी है, वो 4-5 गार्ड चलकर वो यहाँ लेके आया, उसने विश्वास करी कर्मचारी को मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अपने मंदिर सुरक्षा कर्मचारी जो है व्यक्ति को पकड़ के लाए थे, पूछताछ की थी, उसके हिसाब से बताया गया कि वो संदिग्ध व्यक्ति है, उसको जला से उसको व्यक्ति वही है और उसके बाद फिर ऊपर से पुलिस चौकी सूचना दी गई, वहाँ से पुलिस भी आई, उनके साथ जांच पड़ताल की गई, उन्होंने कागज वगैरह चेक किए गए और उसके बाद फिर उनको यहाँ से ऊपर पुलिस चौकी ले गए, पता सुबह नामक व्यक्ति है उसकी, उसको जलास दी गई। खबर 9 से भूपेन चापरवाल की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।